हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रोमन फंक्शन को लेकर के है। बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, तो कैसे यूज करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया। जैसा कि जानते हैं कि लीब्रा कैल्क में भी इनेबल फिल हैंडल की सर्विस पाई जाती है, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और नीचे ऐसे ड्रैग करते गए, ठीक है। आप चाहे तो नीचे और भी ड्रैग कर लीजिए, तो इस तरह से ये ड्रैग कर दिया मैंने। अब यहां पर हमें इसको रोमन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, यहां पर लिखना है रोमन, रोमन फॉर्मूला यूज कर लीजिए और बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा काम है, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये बन गया रोमन में। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए चले जाइए, जितना ड्रैग करेंगे उतना ये रोमन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए यहां तक ये रोमन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी 14 को ऐसे लिखेंगे रोमन में, ठीक है। और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता चला जाऊंगा तो फिर 15, 16, 17, 18 और जहां तक ये जाएगा वहां तक ये रोमन में कन्वर्ट होता चला जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यहां पर ऊपर चलता हूं और इसको फिर से यहां से पकड़ के और फिर ड्रैग करवा देता हूं नीचे की तरफ, तो जहां तक ये है, ये संख्याएं लिखी हुई है, वहां तक इसे ड्रैग करवा देते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि रोमन में हम 131 को क्या लिखते हैं, यहां पर आ चुका है और ये बड़ा ही आसान है और आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।